मैं एक शेन हूँ और मेरा सपना और काम दोनों स्लग तैरा की रक्षा करना है। इलाय, जैन, कुछ बुरा हो चुका है, ये सच्ची में बुरा है। ये समय तुमसे बदला लेने का है इलाय। पांचवें एलिमेंट इसको 99 के आसपास में अलग अलग जगह रखा गया है। तैयार हो जाओ दोस्तों, क्योंकि ये एपिक होने वाला है, तो देखने जरूर आना। जब शैतान डॉक्टर थैडियस ब्लैक हार चुका था, तब विदीप कैस्मिक सर्फिस कभी नहीं देखा गया। शेन और उसकी गैंग ने सोचा कि उनकी लड़ाई खत्म हो चुकी, लेकिन हमारे बहादुर योद्धा का सामना एक नए स्लग गूंडॉग स्लग से हुआ। गूंडॉग स्लग दूसरों को अपने दिमाग से काबू किया करता था, लेकिन हमारे बहादुर योद्धा इलाय शेन ने बड़ी बहादुरी से उसको हरा दिया। और रहस्यमय स्लिंगर जूनजी, जो ईस्टर्न कैवर्न से आया था, उसे गूंडॉग की कैद से आजाद कराया और अपना नया साथी बनाया। और यहाँ आपके पास लक्स की नई कहानियां हैं, यहाँ तक कि सबसे महान नायकों की हैं। तो बच्चों, क्या तुम बड़े हो जाना चाहते हो और बहुत लचीला हो जाना चाहते हो? तो तुम्हें हिम्मत की जरूरत होगी। क्या तुम्हारे पास हिम्मत है और उसे दिशा देने के लिए जुनून है? दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक है, लेकिन रोमांचक भी है। तो मैं शर्त लगाता हूं कि शेन गैंग अभी कुछ ऐसा करी होगी जो तुम्हारे होश उड़ा देगा। नो, नहीं। इलाय, यू मस्ट गैदर द फाइट टुगेदर। डैड, तुम्हें पांचों इकट्ठे करने होंगे। दोस्तों, ये सिर्फ एक सपना था, मैं ठीक हूं। तो तुम अब तक नहीं सो पाए इलाय? नहीं, वो टीवी की आवाज थोड़ी सी तेज थी। मैंने एक बुरा सपना देखा। कैवन्स, गूंस और ओह, मैंने भी यही सपना देखा था। मुझे लगता है ये सपने से कुछ ज्यादा है। सेल्मा, वेल, जो भी है, अब मैं गून से बने मेरे सर के साथ वापस सोने नहीं जा रहा, और मेरे मन को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका है एक अर्ली मॉर्निंग डुअल। ये थोड़े मजे के लिए है। मैं अपने स्किल्स को सुधारने के लिए हमेशा से तैयार हूं। जिंदे हाउची, तो शुरुआत करें। एक्सीलेंट, हम एक मिनट में शुरू करते हैं। चलो उठा गाइस। शुक्रिया जूस। चलो उठो गाइस, अब हम एक रेस हैं। चलो इसे खत्म करो। तो चलो शुरू करो। चलो चलो। Oh no.
shit! Hey, एक मुश्किल डुअल के लिए धन्यवाद। तो तुम गूंस लग के कंट्रोल में होने के बाद बेटर दिख रहे हो। हाँ, और मैं अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करने के लिए तैयार हूँ ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ। मुझे अब भी समझ नहीं आता तुम अपने स्लग को स्लग फूल से कैसे कंट्रोल करते हो। मैंने कुछ नहीं किया, बस बचपन से प्रैक्टिस की। वो तो एक रैम स्पॉन है, वो फायर। फॉलो मी। तो क्या तुम सिर्फ स्लग साउंड से ही स्लग का पता कर सकते हो? कमाल है ये तो। चलो उसे धक्का दो बड़ी। ओह, तो तुम गंदी तरह से खेलना चाहते हो, लेकिन ये याद रखना कि जैसी करनी वैसी भरनी। आ, और ये आउट और स्टेसिया ब्लीड में है। ओ छोटे दोस्त, तुम अब भी जी सकते हो। ये क्या है? ओ, फॉर्मूला वन रेसिंग। मैं अब भी समझ नहीं पाया, ये कमाल है। स्लग्स हेलमेट पहनते और ब्लास्टर में से सिग्नल ट्रांसमिट होता है। मैं समझ तो रहा हूँ कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा क्यों। लेकिन क्या तुम सब एक गेम खेलना चाह रहे हो? कैसे ट्रेनिंग की तरह नहीं लिया जा सकता? रुको, क्या तुमने कभी एक गेम नहीं खेला जब तुम बच्चे थे? नहीं, मैं एक महान रक्षक बनना चाहता था और ये गर्व की बात है। साथ ही इसके कई फायदे भी हैं। मुझे मॉडिफाइड ब्लास्टर नहीं चाहिए अपने स्लग्स को कंट्रोल करने के लिए। चीटिंग है ये तो। माफ करना प्रोंटो, लेकिन मुझे अगले हफ्ते के लिए तुम्हारे मैका को रिपेयर करना होगा। ओ नहीं नहीं, मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ कि तुम इसे 2 महीने के ये क्या? कोई चीज हमारे स्लग्स को भूल बना रहा है। ओ नहीं, ठीक करो डॉक। वाओ वाओ, अगर कुछ स्लग यहाँ पे घूल बन गए हैं तो उनका क्या जो क्लब हाउस के अंदर है? द बबल जोन प्लेट्यूरी का होलबर्ग फ्लैटरिंग का स्टोरमेटर स्लग्स घूल में बदल गए हैं। ये तो सच्ची में बुरा है। ठीक करो डॉग। ओ नहीं, ये अब भी काम नहीं कर रहा। आखिर चल क्या रहा है? विंड फार्म कैवन, वो तो प्रैक्टिकली हॉलबर्ग्स और टमेटोस पर चलती है। वो एक इतनी अच्छी जगह है कि हम वहाँ जा सके। वेल, कम से कम आज तो कोई पागल नहीं है। द शैडो क्लैन, मैं वो जल्दी से समझ नहीं पाया। He says we need to go. वो कह रहे हैं कि हमें अभी एक शैडो क्लैन बेसिन ज़ेनोरी पे जाना है। तुम शैडो लैंग्वेज बोल सकते हो? ऑफ कोर्स तुम बोल सकते हो। ज़ेनोरी बेसिन, वो तो हमें कई महीने लगेंगे वहाँ पे जाने पे। हम विंड फार्म कैवन की ओर जा रहे हैं। ओ नहीं, तुम अगर वो मैसेज सुनोगे तो तुम अपना मन बदल लोगे। मैसेज? कौन सा मैसेज? मैसेज तुम्हारे पिता के यहाँ से। अगर क्लिफ क्लॉज सन कहेंगे तो विल शेन। रुको, क्या ये मेरे पिता ने कहा है? हमारे पास बहुत कम समय है, तुम्हें हमारे साथ आना होगा। चलो चले शेन गैंग। जून जी, तुम आ रहे हो? ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। तो हम वहां कैसे जाएंगे? उसने क्या कहा?
उसने कहा ये तुम्हें डर देने वाला है। मेरा पेट तो अंदर बाहर हो रहा है। ओ नहीं, मैंने अपने दोनों दिमाग निगल लिए और मेरा पेट उन्हें हजम नहीं कर पा रहा। ओ तो तुम ठीक हो? हाँ मैं बस थोड़ी देर में ठीक हो जाऊंगा। किसी भी तरह की ट्रेनिंग इसके लिए तैयार नहीं कर सकती। सभी कैवन्स में स्लग स्कूल में बदल रहे हैं, तो मेरे डैड का क्या मैसेज था? ये तो एक स्लग है, ये तो एक एनिग्मो स्लग है। मैंने सोचा था कि हमारे पास सिर्फ एक ही एनिग्मो स्लग है। प्रोंटो उससे ज्यादा क्यूट है। एनिग्मो स्लग तुम्हारी नजर को गड़बड़ करते हो, चीज दिखाते हैं तो वहाँ ठीक है तो अब क्या फ्लॉपर्स? हम तुम्हें मैसेज के साथ छोड़ रहे हैं और विश्वास रखते हैं कि तुम्हारे पास हमारे सभी सवालों के जवाब होंगे। तब तक हम गूंस का ख्याल रखते हैं ताकि वो दूसरे स्लग्स के साथ कांटेक्ट में ना आए। रुको ईलाई, मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा है, लेकिन ये तुम्हारे डैड नहीं है, ये तो सिर्फ एक होलोग्राम है। थैंक्स प्रोंचो। Anytime, Eli. मैंने इस मैसेज को इस उम्मीद में रिकॉर्ड किया था कि तुम्हें ये सुनने की कभी जरूरत ना पड़े, लेकिन अब तुम एक शेर और मैं तुम्हारी मदद के लिए वहां पर नहीं। तो अब तक मैंने तुम्हें सभी स्लग्स जो 99 कैवर्न्स में रहते हैं उनके बारे में बताया है। काश आपने बताए होते, लेकिन बहुत समय पहले यहाँ पर सिर्फ Long ago, पांच धरती, हवा, एनर्जी, ऊर्जा, वाटर, पानी एंड फायर, और अग्नि। अब तक जो भी स्लग्स हैं वो इन्हीं पांचों एलिमेंटल से आए हैं। अगर इन एलिमेंटल्स को कुछ भी होगा तो गूल बन जाए। इसी वजह से होरबक टर्मेट और बाकी सब गूल बन गए। जरूर एएम से भी गूल बन गया होगा। अगर तुम ये मैसेज देख रहे हो तो कुछ पूरा हो चुका है। साथ में पांचों एलिमेंटल्स के पास अतुल्य शक्तियां हैं, इसी वजह से उन्हें 99 कैवर्न्स में अलग अलग जगह रखा गया। तुम्हें उन पांचों को इकट्ठा करना होगा। केवल वही है जो नुकसान को ठीक कर सकते हैं जो अब तक हुए हैं। डैड मैन, ये मैप तुम्हें बताएगा कि वो पांचों कहाँ पर छुपे हैं। इस एनिग्मो स्लग के अंदर मेरी रिकॉर्डिंग के साथ साथ मैप भी है। अगर तुम मैप को यूज करना चाहते हो तो तुम्हें इस स्लग को चलाना होगा। ओ नहीं, हमें इस स्लग को बार बार चलाना होगा।
ईलाई, सिर्फ तुम ही इस मैप को चला सकते हो, लेकिन तुम्हें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। तुम्हें बस ये कहना है कि अर्थ एलिमेंटल को ढूंढो और मैं तुमसे एक पासवर्ड क्वेश्चन पूछूंगा। गुड लक बेटे। ईलाई, मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ कि वो तुम्हारे पिता नहीं थे, वो तो सिर्फ एक होलोग्राम था। ओके, फिर चलाई। रिको, ये जो भी है हमारे वोटर स्लग को भूल बना रहा है। ये जो भी एयर एलिमेंटल के साथ हुआ था वो अब वाटर एलिमेंटल के साथ हो रहा है। अब हमें इस करप्शन को रोकना होगा। तो चलो चले। हाँ जरूर, क्यों नहीं, हम अपने स्लग्स को वापस नॉर्मल करने जा रहे हैं। तो क्या तुम इस मैप से उस कैवर्न का पता कर सकते हो? हाँ मैं पता कर सकता हूँ। वाटर एलिमेंटल को ढूंढो। ठंडियों में मैं और तुम रेसिंग करना पसंद करते थे। कैबिन के अंदर हमारे स्लेट का क्या नाम था? पॉपी पैंस। मेरे स्लेट का नाम था पॉपी पैंस। पॉपी पैंस। एक्सेस ग्रांटेड। जगह है अंडरडॉग कैवर्न। चलो चले। इस कैवर्न को क्या हो गया? अगर मैं गैस करूं तो ये वाटर एलिमेंटल को घूल बनाने की वजह से हुआ। इस कैवर्न की सारी स्लग शिट। ये अच्छा नहीं हुआ। ये सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो यहाँ पर मेरे कमांड्स को फॉलो करने आए हैं। गून। गून ने अपने नए होस्ट स्लिंगर को ढूंढ लिया और अब ये डार्क बेन के साथ काम करता है। गून वो ही है जिसने एलिमेंटल्स को घूल बनाया। मैं नहीं जानता कि वो मॉन्स्टर कौन है, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं तुम्हें बेटर जानता हूँ प्रोजेक्टर। मैं तुम्हारे दिमाग के अंदर जो रहा हूँ और इसके लिए तुम कीमत बदला चुकी। तुम बेवकूफों ने यहाँ पर आने में बहुत देर कर दी। मैंने पहले ही वाटर एलिमेंटल को घूल बना दिया जैसे एयर एलिमेंटल को बनाया था। जब मेरे साथी वापस आएंगे तो हम बाकी तीनों को भी ले लेंगे। हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। ईलाई, हम एयर एलिमेंटल को ठीक करेंगे और तुम्हें वाटर एलिमेंटल को ढूंढना होगा और ठीक करना होगा। मुसीबत सिर्फ ये है कि एलिमेंटल्स उस आइलैंड पे और समुद्र और हमारे बीच कई डार्क बेन है। हम इन सबको संभाल सकते हैं। जाओ और मुझे श्योर से बाहर निकलने का रास्ता दो। चैनल आ रहा है। अब सब कुछ हम पड़े हैं। व्हाट अ प्रॉन्ट, अगले छोटी सी बात है। प्रॉन्ट और गोंस को आप ठूस ठूस कर फेंकेगा यहाँ वहाँ सब जगह। ओह, छोटा सा बेक छोड़ी ले के लिए। कोई रास्ता नहीं, अब हम सभी काले पानी में तैरेंगे या तुम सूखे जाना चाहोगे? चुंजी, मुझे एक हॉप रोप देना। क्या वो तो एक बेसिक शॉट था। आखिर उस गून ने किया कैसे वो? तुमने स्लग को स्लग फू से गाइड नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है, मुझे याद है स्लग फू। चुंजी, तुम्हारी इन छोटी छोटी कोशिशों ने तुम्हारे क्या उसको बचाने में मदद नहीं की और अब वह तुम्हारी यहाँ मदद नहीं करेंगे। और तुम ईलाई, मैं तुम्हारे कैन को भी तबाह कर दूंगा जब मैं तुम्हारे एलिमेंटल्स को ले लूंगा। तुम जानते हो कि ये सच है, तुमने ये देखा है। रुको, ईलाई कहाँ है? मुझे लगता है हमें वहां जाना चाहिए। अपने आंखों को गूंज और उनकी चमचों के लिए खुली रखना। हमें उन्हें हराना होगा ताकि वाटर एलिमेंटल को ले सके।
ये जगह कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। चौकन ना रहना बर्बी। डॉक्टर ब्लैक, आगे तुम्हें पता कैसे चला? केविन्स तक का मेरा सफर मुश्किल था। बहुत मुश्किल। यद में मैंने इस्लामे की बरसों से राह देखी है। बिना एलिमेंटल स्लग्स के 99 केविन्स पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। No. नहीं, ये बहुत ही मजेदार होगा जब मैं इसे खत्म करूंगा। लेकिन गून और मेरे पास बड़े प्लान्स तुम्हारे लिए। हम एलिमेंटस को एक एक करके ले लेंगे। मैं चाहता हूँ तुम अपनी सभी प्यारी चीजों को धूल बनते देखो। जब तक तुम और तुम्हारे आगे पीछे देखेंगे और आशा का खत्म हो चुका होगा। ब्लैक, उसे एलिमेंटल्स के बारे में कैसे पता चला? ईलाई को गए बहुत समय हो गया, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, फ्रॉन्ट तो गेस कर रहा है कि क्या उनके पास कुछ तो है जो अजीब है। हमें वहाँ जाना होगा, पहले हमें उससे निपटना होगा। डॉक्टर ब्लैक, वो अभी सुनता है? ये तो हो ही नहीं सकता। रुको, ब्लैक और गूम साथ में? तुम्हारे पास एलिमेंटल है? बढ़िया, मशीन मैं भी महसूस कर रहा कि वो जिंदा है। तुमने उसे खत्म क्यों नहीं किया? आखिरकार वो मेरे लिए खत्म हो चुका है। मैं चाहता हूँ वो दर्द से डर पे। ये उसके लिए दर्दनाक होगा। बेवकूफ हो, जब तुम्हारे पास मौका था तो तुम्हें वो खत्म कर देना चाहिए था। अब अगले एल्म दशक जल्दी। वो चले गए तो अब हम इलाई की मदद करने पर ध्यान दे सकते हैं। अब चुंजी कहाँ गए? हे चुंजी, मैं तुम्हें उस लक के साथ जाने नहीं दूंगा। मेरी बात सुनो, तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। वो गून है, वो गून तुम्हें कंट्रोल कर जैसे उसने मुझे किया था। तो लड़ो उससे। वो तुम्हें सुन नहीं सकता ईसन चैंपियन, लेकिन मैं सुन सकता हूँ। मैं पहले सोचता था कि मुझे तुमसे अच्छा कोई होस्ट नहीं मिला, लेकिन ये तुमसे बेटर। आखिर कौन सा सिंगर अपने कैरेक्टर को भी बचा नहीं पाया? तो हम इलाई को वापस कैसे लाएंगे? इलाई ब्लैक वापस आ गया, उसे वाटर एलिमेंट मिल गया और अब वो बाकियों के पीछे है। हम जानते हैं, हमने उसे देखा है और अब वो गून के साथ काम कर रहा है जो अब एलिमेंटल के साथ भाग गया। हमें अगले वाले के लिए जल्दी जाना होगा। तो तैयार हो मैं आपको चलाने के लिए? ब्रॉन्चो अपने आप को वॉलंटियर करता है एनिमल स्लग को फायर करने के लिए, लेकिन इसकी जरूरत नहीं होगी अगर तुम मना कर दोगे। हे जून जी, वहाँ पर क्या हुआ था दोस्त? तुम्हें एहसास भी है, तुमने इलाई को अकेला छोड़ दिया था। गून एलिमेंटल के साथ भाग रहा था। मैंने विश्वास किया कि इलाई खुद को संभाल सकता है, जो उसने किया।
मैं तैयार हूँ, चलो इसे करें। रुको, क्या ब्लैक इसी वजह से हम यहाँ आ रहा है? तुमने खुद कहा था कि कौन तुम्हारे सिर में घुसा है। क्या होगा अगर वह तुमसे एलिमेंटल्स की लोकेशन चुरा रहा होगा? मुझे ऐसा नहीं लगता। गौर करो, गून ने पहले एलिमेंटल को लिया इससे पहले कि शैडो क्लैन हमें उन पांचों के बारे में बताता। जून सही है ट्रिक्स, इसके अलावा ये उस तरह से काम नहीं करता। ये उससे ज्यादा एक धब्बा है जो हमें बताता है कि उसने हमारे साथ क्या किया। चलो इसे खत्म करें। तो तुम तैयार हो डैडी से मिलने? ईलाय, अगर तुम इसे सुन रहे हो तो ये समय है पांचों में से अगले को अनलॉक करने का। तो ब्लैक के पास एयर और वाटर है, तो अब सिर्फ बाकी अर्थ, फायर और एनर्जी। अर्थ एलिमेंटल को ढूंढो। डन। मैं अपने किस साथी को सर्कस पर लाया था तुमसे मिलवाने के लिए? तो ये टॉम पोर्टो नहीं तुम्हारे पिता के ट्रैकर? मैं नहीं जानता, डैड कभी भी किसी को घर पर नहीं लाया सिवाय वो आपके स्लग्स हैं, राइट? आपने हमेशा कहा कि वो एक स्लिंगर के साथ ही है। बहुत बढ़िया। हे, वो जो क्वार्टरमैन केविन है, ये इसे आसान बनाता है कि मैं थोड़े बहुत शॉर्टकट्स जानता हूँ जो हमें ब्लैक से भी जल्दी पहुंचा दे। तो हम यहाँ पर अब भी क्यों खड़े हैं? चलो चले। रुको दोस्तों, जैसे ट्रिक्सी ने टॉम फोर्ड के बारे में कहा, मैं जानता हूँ कि आपके और उसके बीच में पिछले कुछ सालों में कई दूरियां आई, लेकिन वो एक अच्छा साथी था, आपको नहीं लगता? मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, मैं बस एक रिकॉर्डिंग हूँ जिसमें सीमित मात्रा में पी प्रोग्राम रिस्पॉन्सेज हैं। मैं भी उसे यही बता रहा था मिस्टर शेन, लेकिन ये तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं। मुझे खुशी आप मुझे समझते हैं। तुम अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा रखो, मुझे यकीन है तुम इसे संभाल लोगे। ये बहुत मुश्किल होने वाला है। ब्लैक और गून ने लगभग आधे एलिमेंटल स्लग्स को गूल बना दिया, और स्लग टेरा एक चमत्कारी जगह है। हमने इससे ज्यादा दवाई पहले कभी देखी नहीं थी। हाँ, मैं बस यही आशा करता हूँ कि बाकी क्या उनकी सिटी इससे बेहतर हो। तो हम क्या करेंगे? एक चीज करनी है, अपने आंखें बंद करो, अपने नाक पकड़ो और कूदो। क्या इसे एक प्लान कहा जाएगा? हाँ बिल्कुल। हाँ। तो कोई और रास्ता तो होगा जिससे इस नाजुक शान शौकत वाले शरीर पर कम कीचड़ पड़े। दरअसल फ्रेंड प्रोंटो एक रास्ता है। तो मजेदार है। एक मिनट रुको, जूंजे प्रोंचो, जूंजे कहाँ है? वो, ये देखो दोस्तों, मैं तो कमाल का हूँ। इसके लिए तुम्हें सिर्फ एक जियो शार्ट स्लग और एक बहुत बढ़िया संतुलन चाहिए। दोस्तों तुमने सुना, जियो शार्ट फायर करो। दोस्तों देखो मुझे, मैं बहुत 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 खुश हूँ। मैं स्लग टेरा का सबसे बढ़िया वाला सर्फर हूँ, एपिक वाला। और एलिमेंटल हमने कर दिखाया। नाइस। आराम से, तुम मुझे मिल गए छोटे दोस्त। वो चूक गया, मैं उसे करता हूँ। मुझे तो मिल गए छोटे दोस्त। ओ नहीं, पीछे देखो। ये तो बुरा है। पकड़े रहना दोस्तों। आ!
Eli! हमें उसे बंद करना होगा दोस्तों। वेल, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन अब हमारे पास अर्थ एलिमेंटल है। तुम्हें ये और जल्दी मिलता अगर तुम्हारा स्लग सामने ना आता। कॉज तुम्हारे स्लग ने एलिमेंटल को मिस कर दिया था। मैं उसे उसके पास ले जा रहा था ताकि हम उसे मेरी तरफ धक्का दे सके। मैं अपने स्लग के पूरे कंट्रोल में था, जो मेरी ट्रेनिंग का एक बेसिक पार्ट था। ये था तो ऐसा लग रहा है सब कुछ तुम्हारी कंट्रोल में था। हाँ तुम्हें मान लेना चाहिए ट्रिक्स, लगता है स्लग वो काफी कूल है। मैं कोई रिकाव नहीं चाहता दोस्तों, लेकिन मुझे नहीं लगता वो जाले बहुत समय तक टक सकते हैं। हाँ, मुझे नहीं पता कि हमें मिलियन टन कीचड़ के मुकाबले क्या मिलेगा। अर्थ एलिमेंटल, ऐसा लगता है उसके पास आइडिया है कि हम यहाँ से बाहर कैसे निकले। तो सही नहीं है, समझदार की बात तो ये होगी कि नए स्लग को यूज ना किया जाए जब तक तुम्हारे पास टाइम हो उसे ट्रेन करने के लिए। हाँ, दरअसल मैं इस तरह से काम नहीं करता, मैं स्लग्स पर विश्वास करता हूँ। इसके अलावा ये तो है नहीं कि हमारे पास कोई और चॉइस है। दोस्तों, ओह फ्लॉपर्स, वो तो कमाल का था, शुक्रिया। अब चलो अगले एलिमेंटस तक चलते हैं। ब्लैक और गुण शायद पहले ही अगले एलिमेंटस तक चले गए होंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ वो यहाँ नहीं है। तो क्या यह मेरी गलती है? हाँ, हमें अर्थ एलिमेंटल की ओर जाना चाहिए था जैसे मैंने सुझाव दिया था। तुम्हें सच्ची में लगता है कि मैं तुम जैसे एक मॉन्स्टर की बात सुनूंगा? तो ऐसा लग रहा है कि तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते। क्या मुझे करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मुझे नहीं पता कि तुम कितना बुरा करे अपने मैरी मोला के बेहतरीन शो से, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम मेरे शहर को तबाह कर रहे हो। क्यों? रेड हुक, तुम बावले बहरे। कोई भी मुझे बावला बहरा नहीं कहता। ओ नहीं, तुम्हारे साथ क्या हुआ ब्लैक? तुम्हें बैड एलर्जीज हुई है या कुछ और? तुम तो बिल्कुल फूले हुए लग रहे हो। हैप्पी एनर्जी एलिमेंटल कहाँ पर है? ये तो बेवकूफी वाली बातें हैं, जैसे चलती हुई दुनिया ना समझो। मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है? क्या तुम एक माइंड रीडर हो? नहीं, लेकिन मैं हूँ। मेरे नूडल बॉक्स के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं। नहीं, ये सिर्फ सच बोल रहा है। केवल एक चीज जो इसके बावले दिमाग में चल रही है वो एक गम सूप की रेसिपी और एक डरावनी मूवी देखने का प्लान। डरावनी? अब जैक्सन की मूवी डरावनी हो गई? मैक्स जैक्सन की 2000 फ्यूरियस पंचेस और फाइट, इसमें सबसे अच्छा पॉप है जो अब तक का बेस्ट है। तुम्हें कैसी मूवीज पसंद है? और बॉक्सर किसेस वाली? हम यहाँ पर समय पर बात कर रहे हैं। तुम्हें अगले एलिमेंटल से जल्दी जाना होगा और आशा करनी होगी कि हम एनर्जी एलिमेंटल को कहीं से भी ढूंढ निकाले। हम जा रहे हैं, लेकिन क्या होगा अगर तुम अगले वाले के बारे में भी गलत हो? क्या होगा अगर शेन गैंग को एनर्जी एलिमेंटल हमसे पहले मिल गया? तो अगर मैं उसे नहीं ढूंढ सकता तो वो भी नहीं ढूंढ पाएंगे। उनकी जानकारियां उतनी अच्छी नहीं जितनी मेरी। एक बार हमें बाकी मिल जाए तो एनर्जी एलिमेंटल भी आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, हम इसे तुम्हारे कहे अनुसार ही करेंगे स्लग अभी के लिए, लेकिन तुम्हारे लिए हम इसे मेरी मर्जी से खेलेंगे। Thank you.
मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि जूनजे अर्थ एलिमेंटल को खोने ही वाला था। ये उसकी गलती नहीं थी गॉड, और न ही कोई और, वह सिर्फ एक सोलो स्लिंगर की तरह ही काम कर रहा था। ठीक है दोस्तों, हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है, हम क्वाइट लोन कैवर्न की ओर जा रहे हैं। हाँ अच्छा है, शायद एरिक मुझे इस चीज में मदद करते। ये क्या है दोस्त? वैसे मैंने देखा कि अर्थ एलिमेंट एक यूनिक एनर्जी सिग्नेचर दे रहा था, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर बाकी के पास भी इसी तरह के गुण है तो मैं अपने ब्लास्टर्स को कैलिब्रेट करके उन्हें ढूंढ सकता हूँ। शायद आराम से दोस्तों, मैं शूट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्कैन कर रहा हूँ। हाँ मैं कुछ गलत देख रहा हूँ, मैं ईलाई के बैकपैक में दो एलिमेंट्स को स्कैन कर पा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो पोलैरिटी को रिवर्स करता। हाँ मैंने कोशिश की थी, मैं नहीं जानता, शायद बैटरीज, मैं इसे जादू रिचार्ज करूँ। ठीक है हम वहाँ जा रहे हैं। वो हमें इतनी बार कैसे हरा पा रहे हैं? उन्हें शायद एनर्जी एलिमेंटल मिल चुका है, हमने बहुत देर कर दी। प्राय नहीं, हमारे स्लग्स में से जो भी एनर्जी एलिमेंटल से संबंधित है वो अब तक भूल नहीं बने। क्या बैटरी से रिचार्ज हो गई? हाँ दो सिग्नेचर, लेकिन क्यों? हमारे पास तो सिर्फ अर्थ एलिमेंटल है ना दोस्तों, हम उसके बारे में बाद में सोच सकते हैं। अब यहाँ पर लोग है जिन्हें मदद की जरूरत है। मुझे लगता है उसे गहरी चोट आई दोस्त। ब्लैक ने डार्क पेन के साथ धावा बोल लिया था, वो एक एनर्जी एलिमेंटल को ढूंढ रहा था। जब ब्लैक को वो नहीं मिला तो उसने इस कैवर्न को तबाह कर दिया। उसने पकड़े रहना रेडुक, हम आपको वहां से बाहर निकालते हैं। जल्दी इसे हटाओ दोस्तों। एक बार फिर से शेन गैंग, तुमने मेरी जान बचाई, मैं सब कुछ कह सकता हूँ जो मेरे पास है, लेकिन मुझे डर है कि मैं तुम्हारा एहसान नहीं चुका पाऊंगा शेन। मुझे लगता है कि बहुत देर हो चुकी है। डॉक के लिए नहीं, डॉक तुम ये कर सकते हो दोस्त, चलो करके दिखा। पहुंच चुके हैं, शाबाशी, मैं सही हूँ ना दोस्तों? ये तो एक अलग स्लम है, ये एक हीलर है और एक गार्जियन भी रह चुका। नहीं मैंने पहले भी हीलर्स देखे हैं, ये कुछ खास है, कुछ अनोखा। रुको एक मिनट, कहीं मैंने सोचा कि ये काम ही नहीं कर रहा। ये तुम्हारे बैकपैक में दो एलिमेंट्स को स्कैन कर पा रहा था, जो दूसरा वाला था वो डॉक है। क्या होगा अगर डॉक ही एनर्जी एलिमेंटल है? ये वही जगह है जहाँ तुम्हें ये मिला था, पूरे गैंग को शायद ये तुम दोनों के ड्रेस से पहले ही मिल गया था। प्रॉन्टो इन चीजों को जल्दी नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे यकीन है कि ये कैवर्न रेड हुक के काबिल हाथ में सुरक्षित रहेगा। वो हाथ, मेरा मतलब हुक, अभी भी एक एलिमेंटल है जिसे हमें पकड़ना है, ढूंढना है। फायर एलिमेंटल, हमें जल्दी जाना होगा, चलो चले। एक भयानक कैवर्न, डैड के होलोग्राम के अनुसार फायर एलिमेंटल सबसे ऊपर होगा। क्या यहाँ कोई रास्ता नहीं है? हमारे मैक वहाँ कैसे जाएंगे? नहीं लेकिन मुझे पता है कि कौन कर सकता है, जेट पैक्स, जो हमारे पास नहीं है। मैं और ईलाई बर्पी और जूजू को यूज करेंगे ताकि फायर एलिमेंटल को ले सके। वो जूजे, तुम तो इसमें काफी अच्छे हो। मैं अपने इन्फर्नस को तब से चला रहा हूँ जब मैं 5 का था। सच्ची में मैंने तो बस कुछ महीनों पहले ही सीखा है। जाओ बर्पी। वो तुम वहाँ जाने वाले हो दोस्त हमारे बिना? तुम सच्ची में उसे चुनना चाहोगे हमारे बदले? हम क्या, हम पाँचों एक टीम नहीं है? हम सब
ऐसा नहीं है कि जुंजी टैलेंटेड नहीं है और प्यारा भी है। चुश भी पहले अच्छा ही लग रहा था जब उसने ज्वाइन किया था शुरुआत में, फिर उसके बाद क्या हुआ था? ये कुछ वैसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। मुझे यकीन है कि हमारे बीच कुछ बड़ी समस्या है, लेकिन हमें जुंजी की जरूरत है। वेल, मुझे लगता है उसने चुन लिया। मैं ब्लैक को वहां पहले देखना चाहूंगा। आखिरकार ये तो है नहीं, डार्क वेट उड़ सकते हैं। ईलाई देखो, हमने कर दिखाया, वहां पर है वो। हे, मैं हूँ ईलाई और ये मेरा दोस्त पपी। वो आराम से दोस्त। ऐसा लगता है कि डार्क वेट उड़ सकते हैं। जूंजी, फायर एलिमेंट पे ध्यान दो, गाइड पे नहीं, ताकि हम उसे ले सके। इसका कोई फायदा नहीं, वो बहुत ज्यादा है। ब्लैक, मुझे माफ करना, क्या मैंने एक यूनियन में बुरी तरह से बाधा डाली? नो, मुझे ये मिल गया जूंजी। आर्ट एलिमेंटर को ले आओ और मुझे ईलाई जिंदा चाहिए। हमें यहाँ एक साथ कोशिश करनी होगी जूंजी, लेकिन अभी बात तुम आओ आओ आओ। जेटपैक्स, जो ऑर्डर्स बनाओ। ये जेटपैक्स बहुत ही कमाल के हैं। नो, चिंता मत कर जूंजी, मैं तुम्हें बचा लूंगा। बढ़िया कैच प्रोंटो, उन्हें फायर एलिमेंटल मिल चुका। हाँ, हम जानते हैं हमारे सारे फायर स्लग्स अचानक घोल बन गए, तुम्हें हमारी मदद की जरूरत हो। हमें बर्फी और बाकी सबको वापस लाना होगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। जाओ 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 जाओ, वहाँ पर हम उस टनल में से जा सकते हैं। जाओ दोस्तों, चलो मजा। इन जेटपैक्स में ज्यादा एनर्जी नहीं बची है। लिफ्ट के लिए शुक्रिया गॉड। अच्छा काम किया तुमने। Ah!
पैक्स का सफर बस इतना ही था। प्रोंटो, क्या हम यहाँ पहले भी आए हैं? हाँ बिल्कुल, जितनी ऊंचाई से हम गिरे हैं और टनल में जितने मोड़ आए थे, मेरी गणना के अनुसार हम सभी लगभग पड़ोस में आ पहुँचे हैं। हम सब जंगल कैवन में है। हाँ जंगल कैवन में, लेकिन ये घूल बन चुका है। आप एक और कैवन घूल एलिमेंटल्स में खो गया। ऐसा ही हाल पूरे स्लग टेरा के साथ हो जाएगा अगर ब्लैक को पांच एलिमेंटल्स मिल गए तो। वो ज्यादा देर तक नहीं रुकेंगे, हमें यहाँ से निकलना होगा और एलिमेंटल्स की रक्षा करनी होगी जो हमारे पास है। हम भागते नहीं रह सकते जून जी, जैसे मेरे पिता ने कहा हमें पांचों एलिमेंटल्स को एक साथ इकट्ठा करना होगा। सिर्फ यही एक रास्ता है जिसे हम स्लग टेरा को बचा सकते हैं राइट नाउ। हम एलिमेंटल्स को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते इलाज, लेकिन हमारे पास डॉक है। दी एनर्जी एलिमेंटल ही वो चाबी है। एक शॉट, अगर हम डॉक को ब्लैक एलिमेंटल्स पर शूट करेंगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन अगर तुम चूक गए तो एनर्जी एलिमेंटल ब्लैक का होगा और जैसे हम जानते हैं दुनिया खत्म हो जाएगी। हम इलाई को सिर्फ खत्म क्यों नहीं कर देते हैं जब हमारे पास मौका हो। उसके पास आखिरी दो एलिमेंटल्स हैं, हमें बस उससे वो दोनों लेने हैं और हमारा प्लान पूरा हो जाएगा। इलाई को खत्म करने से भी यही होता, सख्त तेरा अब और शेन की सुरक्षा में नहीं रहता, हम पहले से ही पावर में होते। मैं साफ बोल रहा हूँ, इलाई हमारी पूरी जीत को देखने के लिए जिंदा रहेगा। हम वैसा ही करेंगे जैसे हमने स्वादा किया था। लो वो आ गए। मुझे कहो, मैं कोशिश करूंगा ब्लैक पे क्ले शॉट मारने की। लगभग शॉट को बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, उसे मत करना अगर उसमें कोई भी चूक की संभावना हो तो। लगभग बढ़िया शॉट, थैंक्स। लेकिन मैं भी ऐसा कर सकता था। रुको डार्क पेंस, रुको। इलाई, मुझे पता है तुम्हारे पास अर्थ एलिमेंटल है, तुम जीत नहीं सकते, अपनी हार मान लो और मुझे अर्थ एलिमेंटल दे दो। हे, बढ़िया आइडिया है जूनजी, फर्स्ट में स्लग लोड करो और मेरे निर्देशों का पालन करो। हे ब्लैक, तुम्हें अर्थ एलिमेंटल चाहिए ना, जाओ और ले लो उसे। आर्ट एलिमेंटल, हे! ये तो हमारे साथ धोखा है, हम उन्हें। तुम ये क्या कर रहे हो? हमने इसे बहुत लंबे समय तक वैसा ही किया जैसा तुमने ये कहा था,
लेकिन ये समय है ईलाई को हमेशा के लिए दूर रखने का। लगता है हमारी आंखों के सामने डूब रहा है। पांचों एलिमेंट्स को हमें एक साथ लाना होगा ताकि इसे बचा सकें। ठीक है, इसे मुझ पे छोड़ दो दोस्त। तुम और ट्रिक्सी गून और डार्क बेन को उलझा कर रखना। ब्रॉन्ज और तुम डॉक्टर ब्लैक को डार्क बेन से अलग रखना। जुंजी, मुझे तुम्हारी जरूरत है ताकि मैं उसे गिरा सकूं और डॉग से उस पर शूट कर सकूं और बाकियों को भी ठीक कर सकूं। तो सब तैयार है ना? तैयार है। रुको एक सेकेंड, ब्रॉन्जोई जा रहा है। रुको एक सेकेंड, ईलाई ने तो कहा था कि ब्लैक के पास सारे एलिमेंटल्स हैं। उसने कहा था? मेरे स्कैनर के मुताबिक गून के पास एक एलिमेंट है, जिसका मतलब है ईलाई का शॉट काम नहीं करेगा। हमें जूंजे को सावधान करना होगा। मुझे कवर करो। ठीक है ब्रॉन्जोई, अब सब कुछ सुन पड़े। जूंजे, जूंजे, ब्लैक को ईलाई तक पहुंचने से रोको। वाह वाह, ब्लैक को रोको। वाह, ट्रिक्सी, थोड़ी सी मदद चाहिए। वाह, नहीं। तैयार हो जा जूंजे। जूंजे, ये तो प्लान था ही नहीं। मैं अब ईलाई पे चिल्लाने वाला हूँ। रोको रोको, ये तो डॉक्टर ब्लैक नहीं है। ब्रॉन्डो, क्या हो रहा है? जूंजे फिर से अपने मन का कर रहा है और प्लान बर्बाद कर दिया। मैं ट्रिक्सी और कोर्ट के पास जा रहा। उसने ये क्या किया? ये सब तो गलत है। असलियत में बहुत गलत है। वो हीलर, अब तुम मेरे हो। डॉक, ईलाई ने अर्थ एलिमेंटल को खो दिया। हाँ, ये हो रहा है। हमारे पास पांच एलिमेंट्स में से चार है। ईलाई, अब स्लग चारा हमारा है। ईलाई मुसीबत में और वही पुरानी समस्या। जूंजे, जूंजे फिर से अपने मन का कर रहा है। आराम से प्रोंचो, वो मैं था। मैंने ही जूंजे को ब्लैक को रोकने के लिए कहा था, क्योंकि उसके पास सारे एलिमेंट्स नहीं थे। और मुझे अफसोस है कि मैंने उसे खो दिया और एलिमेंट्स को भी। कोई बात नहीं जूंजे, तुमने वही किया जो टीम की जरूरत थी। ईलाई सही था, हमें तुम्हारी जरूरत है दोस्त। अब किसी शादी को अकेला मत छोड़ना। कभी नहीं। मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूँ, तुम पास ही हो। छुपने का कोई फायदा नहीं। कौन कहता है कि मैं छुप रहा हूँ? मुझे पता है कि तुम्हारे पास कहीं पे तो एनर्जी एलिमेंटल है। हमने क्वाइट लोन क्या उनको पूरा छान मारा उसे ढूंढने के लिए, और ये अब कहीं और नहीं हो सकता। तुम ये तो कैसे जानते हो कि कहाँ ढूंढना चाहिए? तुमने किसी तरह मेरे पिता के होलोग्राम को हैक किया है ना? होलोग्राम?
ना ही बेवकूफ, मैंने बस आसानी से असली चीज को हैक किया है। जहद, आप ये क्या कर रहे हो? वो तुम्हें सुन नहीं सकता, उसका दिमाग मेरा है। तुम्हें तो याद ही होगा कि वैसा कैसा लगता है। मैं उसके बारे में सोचना तक नहीं चाहूंगा। उस एनर्जी एलिमेंटल को दे दो मुझे अभी। ओके ओके इजी, तुम्हें एनर्जी एलिमेंटल चाहिए, वो यही पर है। Dad, Eli, वो elementals. बड़ी जल्दी है तुम्हें। मुझे वो elementals दे दो Eli, अभी के अभी। रोको, ये तो प्लान था ही नहीं। अब बदल चुका है, अगर हम दोनों आग से आग देख सकते हैं तो हम शायद मन से मन भी देख पाएंगे। दोस्तों, हे, और भी वापस आ गया। यस। मुझे खुशी है तुम सुरक्षित हो चुकी। Eli, क्या ये नहीं हो सकता? और ये आदमी कौन है? पापा, आप ठीक हो ना? पापा, ओ ये है। हेलो पुराने दोस्त, मैं ठीक हूँ, लेकिन Eli, स्लग टेरा का भविष्य दांव पर है। तुम्हें जानता हूँ, जल्दी उन्हें भरो। हमारे पास तीन एलिमेंटल्स हैं, गून के पास दो हैं, लेकिन अच्छी खबर है कि तुम्हारे पास एनर्जी एलिमेंटल है। हेलो कहो जॉक। ठीक है तो फिर आओ, हम समय पर पार नहीं कर सकते, हम उन्हें चौंका कर पकड़े। तुमने उन्हें सुना? आ जाओ, इसका कोई फायदा नहीं, अब तुम मेरे हो। तुम मुझे चलो इसे खत्म करते हैं। सभी एक साथ अपनी नजरें खुली रखना, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते। हमने बहुत देर कर दी, हमें पहले की तरह ये कोशिश करनी है। हम उसे लालच देंगे ताकि मैं उसे डॉग से शूट कर पाऊँ, और इस बार हमारे पास दो शेन्स हैं, राइट जैक? चलो इसे करते हैं। विल शेन ने अभी कहा, इसे करते हैं। तो फिर हमें ये करने की जरूरत है। तैयार? तैयार। उन्हें पकड़ो। राजा, तुम सिंक हॉल की दूसरी तरफ जाओ। मैं तुम्हारे दिमाग के हर एक चाल को पहले से ही भाप सकता हूँ, हम देखेंगे। Yes!
बढ़िया शॉट था इलाय। शुक्रिया पापा। क्या हमें सब मिल गए? सभी पांचों। लेकिन स्लग तारा को ठीक करने के लिए हमें उन्हें एक साथ शूट करना होगा। हे, मैं तुमसे पहले भी मिला हूँ, ये पिंचो है ना, राइट? पिंचो, पिंचो जो मेरे जैसे दिखने वाले दूसरे जुर्वे भाई का नाम है। तुमने कभी बताया? मैं तुम्हें यहीं इस दरार में सिकुड़ने के लिए छोड़ सकता हूँ, लेकिन हमारे पास एक जरूरी काम है। चलो इसे करते हैं। शूट करो ब्लैक, शूट ब्लैक, शूट इलाय। नहीं डैड, नहीं नहीं इलाय, नहीं। तुम्हें अभी भी सच तारा को बचाना है, क्योंकि अब भी समय है। नहीं, मुझे उन्हें बचाना होगा। अपनी भावनाओं को अलग करो, इस दुनिया को बर्बाद मत करो जैसे मैंने किया था। प्लीज इलाय, तुम्हारे पिता तुमसे यही चाहते कि तुम ये करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। उन्हें लोड करो। गैंग ने अभी अभी स्लग तारा को बचा लिया और अब हम पांच मेरे पापा को बचाएंगे।